जंगल राज नहीं गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। खुल करके हर जगह अपराध हो रहा है। सरकार का 100 दिन का जो सफर हुआ है, 1000 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइडर्स। इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को भागलपुर के पीरपैंती में भी एक महिला की सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भागलपुर के पीरपैंती पहुंचे और जहां मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। इसी को लेकर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर भी कर निशाना साधा है। अब सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। नीलम देवी की हत्या उनके पति अशोक यादव से मिला उनके परिवार के लोग काफी निंदनीय और दुखद घटना थी। सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी बातें चर्चा करने का नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटित हुआ है कोई अकस्मात नहीं है। वहाँ पर शकील मियाँ सरकारी जमीन पहाड़ के निकट अपना वासा बनाए हुए है, खटाल टाइप का, और अपराधियों का ग्रुप बैठता है वहां, और 7 पंचायत के लोग का वही मेन रास्ता है, और वहां पर महिलाएं बच्चियां को हमेशा परेशान करता है। डर से वो रास्ता होने के कारण कोई हिम्मत नहीं जुटाता है उसके विरुद्ध में। एक लोगों ने तो केस भी किया था थाना में, 2 दलित पासवान समुदाय के लोग, उसका केस नंबर है 53/22 थाना है, चारी थाना, कि 2 गाय को काट के उपयोग किया और आज तक थाना इसको संज्ञान में नहीं लिया। एक तरह से लोगों को भयभीत करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए इन लोगों के द्वारा अभियान चलाया जाता है। ग्रामीण लोग बता रहे थे कि वहाँ पर एक छोटा सा पूजा पाठ का मंदिर भी था, उसको तोड़कर वो मदरसे का स्वरूप दे दिया, और इस तरह से प्रशासन का मूक दर्शक बना रहना बहुसंख्यक समाज को परेशान कर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टिकरण की राजनीति सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए कब तक चोट करते रहेंगे, कब तक इस तरह के समाज को भयभीत कर करके बिहार में इस तरह के जिहादियों का, आतंकवादियों का घर बनने का अवसर मिलता रहेगा। आज जितनी भी अब आतंकवाद की घटना कहीं भी घटित होती है उसका लिंक बिहार से क्यों जुड़ता है, और बिहार में सरकारी जमीन पर इस तरह से बाहर के जो जिहादी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो सुदूर गांव के अंदर घुसकर
अपना फैलाव बनाता है, लोगों के बीच दहशत पैदा करता है। अब वोट की राजनीति की तुष्टिकरण में शासन प्रशासन से संरक्षण प्राप्त करता है और बिहार के अंदर एक उच्चस्थ पदाधिकारी मदरसे के नाम पर अपने समाज के तुष्टिकरण में संरक्षित करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे लोगों के कारण बिहार में इस तरह के मानसिकता बढ़ रही है। सत्ता में राजद जदयू के लोग मौन बैठे हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर हमला हो रहा है, आतंकवादियों के संरक्षण में और संपर्क में अपराधी ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जो काम सीमावर्ती क्षेत्र में होता था वो अब बिहार के मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है और खुलकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर जो अपराधियों को संरक्षित किया जाएगा तो समाज में अराजकता अशांति का स्वरूप के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। उनको जवाब देना होगा कि शारदा हत्याकांड में पूरे देश में बवाल मचा है, बंद कमरे के अंदर हुआ था, लेकिन ये नीलम देवी की हत्या, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला, 16 जगह काटा गया, सरेआम जंगल राज नहीं गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर फिर से आप गुंडा को खड़ा कर रहे हैं और ये गुंडा को संरक्षण से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। 11 दिन पहले सुल्तानगंज में अपहरण हुआ, अमित कुमार लड़का का नाम है, उन लोगों ने थाना में गया, आप थाना गंभीर होता तो तुरंत उसका रिकवरी होता, थाना की गंभीरता नहीं होने से 11 दिन बीतने के बाद सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाते रहा। अब लोग कह रहे हैं, प्रशासन के लोग ही उसको मार दिया, एक आदमी जो पकड़ाया है कह रहा है कि हमने मार दिया तो लाश कहाँ है। और स्पीडी ट्रायल चला करके इससे जुड़े हुए जो भी गैंग हैं, चाहे हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, क्यों नहीं पूरी ईमानदारी से एक्शन होती है। ये प्रशासन के लोग अपराधियों के साथ मिलकर उसके बचाव की डायरी बनाते हैं, उसे सजा मिले ये मानसिकता नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को जिसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटना घटित हो रही है, उन लोगों को फील्ड में रखने का औचित्य क्या है? अच्छे पदाधिकारी को आप साइड रखे हुए हैं, फील्ड में नहीं देते हैं, जो चढ़ावा करता है, डाक बुलाकर वसूली करता है, उनको थाना और जिला सुपुर्द कर रहे हैं। आज उसी का खामियाजा परिणाम है कि खुल करके हर जगह अपराध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके जंगल राज को भी समाप्त किया है जनता के सहयोग से, और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़के आपके इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे। जो माहौल और दहशत का वातावरण आप बना रहे हैं, सिद्धांत की राजनीति आपकी समाप्त हो चुकी है, करनी कथनी कहीं से समरूपता नहीं है, और कानून का राज ये 100 दिन के अंदर का आप ईमानदारी से विश्लेषण कर लें
सरकार का 100 दिन का जो सफर हुआ है, 1000 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है। तो आपने विजय सिन्हा को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है और सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर भी बातें कही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।